लियो गाँव की शादी में। ना भाई तुम ही जाओ। अभी मैं गोरा दिख रहा हूँ, जब आऊंगा गाँव से तो एकदम काला हो गया। हरिद्वार धारा सीधा पानी ऐसे ऐसे हवा कर रहे थे। नींबू कहाँ से चुरा के लाई देखो भाई? सीन ऐसा है कि इन्होंने यार पागल बना दिया। यूं कह रहे सोना भाई स्वराज यहाँ। पैसे के अलावा कौन कौन सी कमाई की? दिल्ली आके देखी हो तू चोर तेरे भाई की। हे गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? तो टाइम हो चुका है 2:02 दोपहर के। तो गाइस आज का व्लॉग ना लेट स्टार्ट करा भाई। क्यों लेट स्टार्ट करा? आज तुम्हारा भाई सुबह से मस्ती मार रहा था और अब जा रहा है तुम्हारा भाई घूमने। देखो रेडी भी हो चुका हूँ, रेडी पूरा हो गया हूँ, बस शूज पहनने बाकी रह गए तुम्हारे भाई को। भाई कहाँ जा रहा हूँ? घूमने जा रहे हैं। फ्लैट से नहीं जा रहे, वही अपनी कार से जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं आज भाई? मैं जा रहा हूँ गाँव की शादी में और सड़ी गर्मी में ले जा रहे हैं पापा मुझे। देखते हैं घर वाले क्या कर रहे हैं। और यहाँ पे दोपहर का क्या कर रही हो? लंच कर रही हो? क्या करती? तूने तो डिनर बता रहा था। डिनर बता रहा था, बैंगन का भरता बनाया था मम्मी ने। हाँ तो क्या, चल लियो गाँव की शादी में? ना भाई तुम ही जाओ। हैं? देखो मैं अब मुझे ले जा रहे हैं। अब मेरा रंग कितना साफ हो रहा है, अभी मैं गोरा दिख रहा हूँ है ना, और जब आऊंगा गाँव से तो एकदम काला हो गया। इतना काला हूँ और टीके की जरूरत है? नजर नहीं लगेगी ना। कोई बात नहीं, नजर की बात। चल रही हो तो बताओ, गाड़ी में जंग आया अभी एक जने की है। पापा जा रहे हैं, मैं जा रहा हूँ और अभी तैयार हूँ। बाबू चाचा जा रहे हैं, एक आधा जना और अभी चले जाएगा, क्या दिक्कत है? तो भाई पापा हो रहे हैं रेडी वहाँ पे और दोपहर में ले जा रहे हैं इतनी सड़ी गर्मी में। और बस ये है कि अच्छा है कि रात के साथ ही है, तो बस निकलते हैं अपना। तेरी की भाई साहब फौज रेडी है। नमस्ते चौधरी साहब बैठे हमारे। आप तेरे याद तो चमक मार रही है। चल गाड़ी ले आऊं। जय हो बजरंग बली। गाइस गर्मी तो भाई रिकॉर्ड तोड़ रही है, भयंकर वाला जिसे कहते हैं दिल्ली में। मेरे हिसाब से भाई 40 डिग्री से ऊपर होगा टेम्परेचर मेरे ख्याल से दिल्ली का। बजरंग बली कुछ मौसम ऐसा कर दो जो कि बारिश ही बारिश आ जाए। ये पानी की लाइन है बहुत मोटी। देखो कहाँ से आ रही है? हरिद्वार से। बड़ी नहर पर। अच्छा बड़ी नहर। गाइस आपने देखा भाई पानी का प्रेशर, देखो भाई इतना जबरदस्त आ रहा है। देखो अभी हम रुके हैं भोले की चाल भाई नहर वाले रास्ते पे, हरिद्वार से आ रहा है सीधा पानी है। देखो इतना जबरदस्त है भाई। और अभी पल्ली तरफ लेके चल रहा हूँ, पब्लिक नहा रही है जहाँ। देखो भाई इतना जबरदस्त, और यहाँ से आ रहा पानी है। देखो ये हरिद्वार से आ रहा डैक। देखो भाई इतना खूबसूरत नजारा। हमारे चौधरी साहब सामने खड़े, हमारी गाड़ी भी खड़ी भाई। जब प्रेशर है जबरदस्त इसे कहते हैं। वो कहाँ है जो यहाँ पे क्या चलती है? चक्की चलती है पानी से। पानी से चक्की चलती है, कहाँ चलती है वो? भोले की डाल है। कहाँ पे चलती है चक्की? अंदर। तो बंद कर रखी है? है? बंद कर रखी है। नहीं चल रही होगी, पता नहीं चल रही है, बंद है। पर भाई अंदर जाना पड़ेगा, पैदल दूर पड़ जाएगा। आपको उधर का नजारा दिखाता हूँ जहाँ सब नहा रहे हैं। देखो रोड देख के पार करनी पड़ेगी। हमारा चाचा देखो पानी पी रहा है नलके का। ठंडा ठंडा पानी पी ले, पानी पी ले ठंडा। हाँ तुझे नहा के आऊंगा तुझे। आ चल, हाँ तुझे खुद आऊंगा नहर नहर में। तो भाई यहाँ पे भाई पकौड़ियाँ पकौड़ियाँ मिलती है, भोले की झाल बोलते हैं इसे। ये देखो देखो भाई क्या मजे में इंजॉय कर रहे हैं सब के सब। इतना खूबसूरत नज़ारा भाई साहब। सारे के सारे गांव के लड़के आए हुए हैं भाई। ये देखो बाइकों से, अपनी स्प्लेंडर से बाइकों से पूरे मौज ले रहे हैं। देखो क्या जबरदस्त नज़ारा है, बहुत बढ़िया भाई। तुम्हारा भाई अगर कपड़े नहीं पहन के आया होता ना बढ़िया से, तो खुद ज़्यादा मन कर रहा है तेरी की पानी की चीटे। मन कर रहा है मेरा भाई नहा लूँ बस कपड़े उतार के, पर क्या करें भाई शादी में जाना है। तो इसे बोलते हैं भोले की चाल। और भाई यहाँ सच में है पानी से चक्की चलती, पर आगे पैदल जाने पड़े, कोई जाएंगे नहीं, कोई फायदा नहीं है। इंटरव्यू ले रहा है भाई, इंटरव्यू ना यूट्यूब पे, हाँ चैनल है मेरा है, ले लिया अब तो। हाँ मैं शादी में जा रहा हूँ गाँव में, एक तो रुक गया यहाँ पे। यूँ बताते हैं ना यहाँ पे कोई चक्की चलती है पानी से? आगे है वो। अच्छा आगे है, आगे झाले पड़ी। अच्छा अच्छा आप जो है अभी बम्बो पर हो यहाँ पे? बम्बो बम्बे है ये बम्बे, बम्बे 12 टाइप की। अच्छा 12 टाइप की बम्बा बोलते हैं, बम्बा बोलते हैं बड़ा इसको।
यहाँ से आगे जाओगे ना 500 मीटर बाद भोले की झाल है, भोले की झाल नहीं बोलते, भोले की झाल में पानी है ये भी। अच्छा ये भी पानी भोले की झाल की है, लेकिन 500 मीटर दूर मेन नहर है, बहुत बड़ी नहर है, वो छोटी नहीं है, बहुत बड़ी वहाँ चलती है चक्की। हम तो इसी को देख के खुश हो गए, बल्कि वहाँ जाने हमने तो यही देख लिया, इसमें खुश हो गए। बहुत बड़ी पानी का दर आपको इतना सा दिखाई दे रहा, नहीं उधर की तरफ तो बहुत तेज आ रहा प्रेशर, वहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ, पानी का दर इतना बड़ा है हाथ भी फैल सकते हैं। आते वक्त देखेंगे उसे, आते वक्त देखेंगे उसे। घुमक्कड़ ब्लॉग आइए देखो क्या खूबसूरत नजारा है। चलो ओके ठीक है भैया, भाई अभी मंगाई है भाई गर्मा गर्म पकौड़ी और बिराट पकौड़ा। अरे भाई पकौड़ियों की लैन ही लैन है यहाँ पे, सारे में पकौड़ी पकौड़ी मिलती है, अपना खाते और निकलते हैं। गाइस पकौड़ी खा ली, एक नंबर की लगी। और भाई तुम्हारे भाई का इतना मन कर रहा था नहाने का, पूछो मत, अगर कपड़े होते ना और शादी में जाना पक्का नहाता, तो अपना निकलते हैं। ये होते हैं जिंदगी के मजे, देख क्या मजे में जा रहा है तैरता हुआ। गाइस पहुंच गए भाई, और टाइम हो चुका है ठीक 4:33 पर पहुंच गए। अरे देखो फौज भी आ गई, देखो तेरे पापा कहाँ हैं? मेरे पापा वहाँ पे बैठे। तो भाई अभी जा रहे हैं हमें, हमारी दीदी है उनके घर जा रहे हैं। हाँ बुआ लगेगी हमारी, और हवा इतनी बढ़िया लग रही है, पर गर्मी है बहुत ज्यादा यहाँ पे भी। कपसाड़ गाँव आए, कपसाड़ गाँव हम इसलिए जा रहे हैं उनके घर, क्यों आराम से कूलर में बैठ जाएंगे, यहाँ तो हर कुर्सी पे बिठा रखा था। हाँ भाई ठीक है, तू जानती है मैं भी नहीं जानता, तो यहाँ पे है खाना पीना। भाई बारात कल चले गई, आज रिसेप्शन है भाई, मतलब बारात गई थी ना इसके अंदर है ना, तो भाई यहाँ पे है रिसेप्शन इसके अंदर रात में। अरे रात को बनाएंगे, ये देखो अब तिरगी चौधरी साहब देख कैसे घूम रहे हैं, चौधरी साहब को ज़्यादा भूख लग रही है। चौधरी साहब क्या कर रहे हो, देख आती लग ली है, देख आ घुमा के लाएंगे तुझे। अरे बहुत बढ़िया जगह जा रहे हैं, चल चल गर्मी हो रही है ज़्यादा, अब तेरी आइसक्रीम मैं खा लूँगा है ना, क्यों खिला तो दे आइसक्रीम है, पूरी खाऊँगा मैं। हाँ लो एक आइसक्रीम मेरी नहीं ला सकती थी, जब मेरे ले लेगा एक आइसक्रीम भाग के कैसे वो देगा, देखो हमारे चौधरी साहब गाइस देखो तुझे भी खानी है, देखो मौका है। और ऋतिक दो लाइए दो, हाँ चौधरी साहब मौके पे चौका मारता है, आइसक्रीम खिला देंगे तुझे भी, उन्होंने खिलाई है सुंदरचा ने है, भाई देखो मंगाई तैयार, देखो चौधरी साहब पता नहीं कितने की थी, 20 वाली होगी, तो ला खिला। कुछ कह रहा तो नहीं था सुनजच्चा, नहीं सुनजच्चा कुछ कह रहा तो नहीं था, कुछ नहीं कह रहा, चलो यही खा लेंगे। गाइस गांव की आइसक्रीम पिघल गई है तो सारी पिघल गई। गाइस पहुंच गए हमारी बुआ के घर, चलो भाई खोलो यहाँ, सुने यहाँ पे भी लाइट नहीं आ रही, हम सोच रहे थे कूलर में बैठेंगे गर्मी में मरेंगे, कूल लाइट ही नहीं आ रही। राम राम बुआ, अभी तक तो गेट लग रहा है, क्या बात बड़ी देर में गेट खोला तूने, दुश्मनी है हमसे, बस 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 बस। हाँ भाई यहाँ थोड़ी सी भाई यहाँ थोड़ी रात मिलेगी, भाई साहब वहाँ गर्मी मर गया हमें रोड में बिठा के, अब तो तुमने सही बना दिया है, बढ़िया बना दिया, जीना भी ना सही एकदम भाई, ये देखो बढ़िया एकदम, अब तो तुमने बढ़िया बन गया, यहाँ पहले सीढ़ी थी यहाँ है, चलो भाई आ जाओ आज आ जाओ यहाँ बैठेंगे। आए अब राहत मिली है वहाँ गर्मी से, अभी ऋतिक क्या कह रहा है, रोड पे बिठा रखा है, रोड पे बिठा रखा है, गर्मी मर गए वहाँ। गाइस यहाँ थोड़ी राहत है, गांव में बस यही समस्या है गर्मी, पर कोई बात नहीं, हम धरती से जुड़े हुए आदमी हैं भाई, धरती से जुड़े आदमी हैं हम, ले ले अभी तो हमने गिलास उठाया तो बोतल लेके आ गया है पहले फिनिश कर ले भाई, मजा आ जाएगा गर्मी में ठंडा ठंडा। तो भाई जिसका इंतजार था भाई वो हो गया भाई, कूलर के लिए आए थे, कूलर चल गया हमारा कूलर गया वाले नहीं आए थे ठंडी ठंडी, तो अब चला जाके कूलर 6:30 बजे
20 मिनट रहे, अभी हम ऐसे ऐसे हवा कर रहे थे पहले। एकदम बढ़िया, अब आया मजा सा, मस्त एकदम भाई। अब हवा लेते हैं, आराम से बैठते हैं, अब शाम को चलेंगे अपना यहाँ से, पार्टी चालू हो जाएगी। 2 hours later गाइस, रात के भाई 8 बज चुके हैं, अब आए हैं भाई खाना खाने। 9 बज गए भाई, अब आए हैं रिसेप्शन में भाई। यहाँ का रिसेप्शन तो ऐसे होता है गाँव के, और खाना वाना ले लिया, मजा आ रहा है, पापड़ खा रही है भाई। मेरा खाना आ गया, ये रहा अपना सब्जी ले ली, रोटी एक रसगुल्ला, चौधरी साहब सब खा रहे हैं, देखो ये विक्की भी खा रहा है सब। तो भाई यहाँ पर खाना पीना हो रहा है अपना, पूरा इंजॉय कर। हाँ क्या है इसमें, ये क्या भर के लाई है तू, क्या चुरा के? नींबू कहाँ से चुरा के लाई? सामने देखो, यही काम करेगी तो चोरी करेगी आगे। खाना तो खाएंगे तो भाई, डिनर करते हैं फिर उसके बाद देखते हैं आगे का प्रोग्राम। गाइस खाना खा के आ गए भाई, अब टाइम हो चुका है 10:30 बज रहे हैं ना, ये 10 बजे 10:13 हो गए भाई। अब भाई सीन ऐसा है कि इन्होंने यार पागल बना दिया, यूँ कह रहे सुबह जाएंगे रात जाएंगे, सुबह जाएंगे रात में जाएंगे, समझ में नहीं आ रहा। फिलहाल अभी अपनी बुआ के घर ही जा रहे हैं भाई। गांव की सड़कें देखो भाई, बिल्कुल सुनसान हो चुकी है, कोई नहीं, सब सो गए। एकदम धीरे एकदम तेज चले हवा से। गाइस तुम्हारा भाई देखो खाट के साथ, और भाई खाट का मजा ले रहा है पूरे, इतनी बढ़िया भाई, इसे कहते हैं जन्नत भाई। गांव में सबसे लेते हैं बुआ के घर, और भाई इतनी बढ़िया नींद आ रही है ना, नींद कहाँ आ रही है, मतलब अभी बातें बना रहे हैं, और पापा एक बैठे जहाँ मैं देता हूँ ना खाट पे, तो भाई यहाँ पे मैं नहीं सोऊंगा, यहाँ पापा सोएंगे और चाचा उधर सोएगा, चाचा इस वाले खाट पे सोएगा और मैं इस वाले खाट पे सोऊंगा। भाई मेरा बिस्तर भाई सबसे टॉप फ्लोर पर लग रहा है ऊपर, और भाई हवा इतनी तेज चल रही है कि पूछो मत, जिसे कहते हैं जबर भाई। वहाँ ऊपर अंधेरा गुप हो रहा है, लेकिन ऊपर जाके सोऊंगा मैं, बिल्कुल इस सीढ़ियों से जाऊंगा ऊपर, यहाँ ऊपर चढ़ के, और वहाँ भाई ने खाट बिछा रखी है तो वहाँ सोएंगे, इसे भी कहते हैं सुबह चन्नत। कमेंट करके बताना भाई गाँव का मजा है यानी, और असली जिंदगी भाई गाँव के अंदर। भाई अंधेरा दिख रहा होगा भाई, ये देखो सब नीचे सो रहे हैं, और तुम्हारे भाई ऊपर आ गया, और तुम्हारे भाई की भाई वो बिछड़ी खाट, देखो यहाँ से जाता हूँ अभी दिखाता हूँ, थोड़ा अंधेरा दिख रहा होगा भाई वीडियो में। तुम्हारा भाई सोएगा जी, हाँ इस चारपाई पे सोएगा भाई, मजा आ जाएगा, फुल आनंद जिसे कहते हैं, और हवा ऐसी चल रही है जबरदस्त। और ये देखो यहाँ पे माहौल गांव का सुनसान पड़ी है सड़कें, और ये देखो ये विक्की यहाँ सोएगा, तेरी चद्दर उड़ गई विक्की। विक्की क्या आज फुल स्पीड में हवा आ रही है, आज बता क्यों आ रही है इतनी तेज हवा, आज हम जो आए हैं भगवान खुश हो रहा हमसे हैं, यूँ कह रहा कि तुम आज गाँव की हवा लो शुद्ध एकदम छत पे हैं, नेचुरल हवा एकदम प्योर हवा। भाई विक्की यहाँ सोएगा, ये नीचे सोता भाई, ये इनकार मुझे गद्दे पे सो जाता, वरना खाट पे मैं क्या हो जाता, तेरे बीमारी हो जाती है पेट में दर्द, तू तो मेरा भाई दिखे है, मेरे पेट में दर्द है दोनों भाई हैं। तो भाई व्लॉग को एंड करते हैं अब, जबरदस्त भाई, पता नहीं वीडियो सही बन रही नहीं बन रही कुछ नहीं पता मुझे, क्योंकि अंधेरे धूप में मेरे आंखों पे फ्लैश लग रही है भाई, जबरदस्त जैसे कहते हैं। तो भाई इतना ही कहूँगा, अगर आज की आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, कमेंट करके जरूर बताना भाई कैसा लोग लगा, अच्छा बुरा क्या लगा भाई, गाँव का मज़ा अलग लेवल का है या नहीं, और जो चैनल पर नए सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं ऐसे अच्छे से नए व्लॉग के साथ, आज के लिए बाय।